गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस विच आर गिवन बाय सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट व्याकरण, चैप्टर टू, वर्ण एवं शब्द। स्टूडेंट्स, आज हम आपको वर्ण एवं शब्द के बारे में जानकारी देंगे। भाषा ध्वनियों से बनती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अतः भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। सबसे पहले आता है स्वर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। इसके बाद आता है व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु, ओष्ठ, दांत, कंठ आदि को स्पर्श करती हुई मुख से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी व्यंजन को स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता है। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का अर्थ है जुड़ा हुआ। जब दो व्यंजन एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आपको शब्द के बारे में जानकारी देंगे। ऊपर दिए गए वर्णों के समूहों में रंगीन शब्द अर्थ व्यक्त करने वाले समूह हैं। कलम और कमल कोई अर्थ व्यक्त कर रहे हैं, अतः ये दोनों शब्द हैं और बाकी निरर्थक हैं। अतः वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। व्याकरण के आधार पर शब्दों के 8 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विषमादि बोधक। स्टूडेंट्स, अब आप जान गए होंगे कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं, तथा वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है।